नरेंद्र भाई ठक्कर, रघु जी, बसवराज जी एंड कौस्तुभ जी, यहाँ हुबली के आदरणीय नागरिकों, मैं पहले यूथ अगेंस्ट करप्शन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है यहाँ 2G स्पेक्ट्रम के बारे आपको वास्तविकता बताएं। मैं अपने भाषण को 3 हिस्से में बांटूंगा। पहला कि भ्रष्टाचार का परिभाषा क्या है, क्योंकि यहाँ हमारे देश में लोग इस परिभाषा के विपरीत भी जाते हैं और सब चीज को भी भ्रष्टाचार कहने लगते हैं। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है कब क्या बोलेगा, परंतु उसने कहा कि रामदेव भी भ्रष्ट हैं क्योंकि वो दक्षिणा कैश में लेते हैं। अब क्या ये भ्रष्टाचार हो सकता है? यदि वो कैश को लेकर उसका पर्सनल कोई खर्चे में लगा दे तो वो तो मिसअप्रोप्रिएशन में आएगा और करप्शन में नहीं आएगा। मेरी पॉकेट में कैश है और मैं टैक्सी में जाऊं और टैक्सी के वाला को मीटर के अनुसार मैं उसको किराए कैश में दूं, तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर भी करप्ट हो जाता है? सब्जी वाली को मैं कैश दूं सब्जी के लिए, क्या वो कैश हो जाएगा? तो इस तरीके के रूल्स बात करके कांग्रेस का एक ही मंशा है कि जो भी उनके खिलाफ लड़ेगा उसका कोई ऐसी छोटी बात निकाल करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्या है। दूसरा है कि ये 2G स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम क्या है, 2G क्या है। किसी ने एक बार मनमोहन सिंह को पूछा ये 2G क्या है, आप जानते हो? उसका हाँ मैं जानता हूं, सोनिया जी और राहुल जी। उससे ज्यादा उनको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो इसकी क्या परिभाषा है ये मैं पहले बताने चाहता हूं कि 2G स्पेक्ट्रम के माने क्या है और उसमें घोटाला किस प्रकार हुआ, भ्रष्टाचार किस प्रकार हुआ, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आगे में मैं ये कहूंगा, बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है और इलाज इसी में ढूंढना है कि ये बुरा क्या है। इसमें आपको तो मोबाइल सर्विसेज मिल रही है, अब दो मंत्री और सेठ लोगों के बीच में कुछ सौदा हो जाए तो आपका क्या नुकसान होता है, देश का क्या नुकसान होता है? जब तक आपको सर्विस मिल जाए, अच्छी तरीके से मिल जाए, टेलीकॉम की रेवोल्यूशन हो जाए, तो ये तीसरी बात मैं आपको बताने चाहता हूं। पहला मैं आपको ये कहने चाहता हूं कि करप्शन माने भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचार को भ्रष्टाचार की संधि है। यह भ्रष्टाचार कब होती है हमारे विधि के अनुसार? जब एक सार्वजनिक पद का जो नाजायज है या विधि के विरुद्ध है या वो सार्वजनिक हित में नहीं, इसको हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में परिभाषा दी गई है। और इसीलिए उसी और उसी नामदंड के अनुसार हमें आज ये 2G स्पेक्ट्रम को देखना है। तो 2G स्पेक्ट्रम में काम पद का दुरुपयोग होगा तो आप किसको लाभ हुआ, क्यों सार्वजनिक हित में नहीं था, ये सारी बातें मैं आपको पहले समझाने चाहता हूं। जी माने क्या, 2G में 2G माने क्या? जी माने जनरेशन, जनरेशन माने पीढ़ी। 1G था, 2G है, फिर अब 3G आ गया है, 4G भी आने वाला है, 5G भी आएगा। तो ये क्या है, पीढ़ी बदलते जाने वाला।
इसमें और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टेलीफोन कर सकते हो तार के बिना, इसको वन जी कहते हैं। और इसकी जो वायरलेस में जो हवा आकाश में जो आपकी वाणी जाएगी वो साइकिल में जाती है, लंबी साइकिल, उस एयर वेव्स को वन जी में कहते हैं। टू जी माने सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, उसमें आप फोन उठाकर डायल करोगे, वायरलेस माने कोई तार नहीं होगी, उसके अनुसार आपकी दूसरे की जिसके पास मोबाइल सेट है वो घंटी बजेगी, फल SMS भी भेज सकोगे, ईमेल भी भेज सकोगे, चित्र भी भेज सकोगे। और इसका जो साउंड वेव है वो ज्यादा साइकिल में जाती है। फिर तीसरी पीढ़ी 3G, उसमें आप फोन करो, आप फोन कर सकते हैं, आप SMS भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, और आप वीडियो भी भेज सकते हैं आपका, जैसे आप फोन कर रहे हो, आप फोन कर रहे हो तो जो उठाएगा वो देखेगा, वो आपको देख सकता है और आप उसको देख सकते हैं। ये 3G में है। 4G में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, मोटे मोटे 400-800 पेज की पन्ने के डॉक्यूमेंट भेज सकेंगे। और इसका जो 3G का उसमें और भी साइकिल्स होते हैं, और ये सारे आकाश में उसको भेजना है, और इस आकाश में टक्कर ना हो जाए इसीलिए उसको आकाश को बांटना होता है, और जो जो भी हिस्सा आप बांटोगे, जो भी चैनल बनाओगे उसका नाम स्पेक्ट्रम होता है। और ये स्पेक्ट्रम में और भी चीजें, डिफेंस मिनिस्ट्री की भी वायरलेस चलती है, दूसरे देशों की भी होती है, इसमें सब समझौता करके आपको करना पड़ता है। तो मैं आपसे पहले ही कहना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम एक सीमित साधन है, आकाश लगता होगा कि अमित है, परंतु आकाश में इतने लोग वायरलेस वेव भेज रहे हैं, तो इसके लिए टक्कर ना हो इसीलिए चैनल बांटनी होती है। वो चैनल वो स्पेक्ट्रम है, और वो सीमित होने के कारण उस जितना डिमांड बढ़ता है उतनी स्पेक्ट्रम की भी डिमांड बढ़ती है, और इसीलिए उसकी दाम भी बढ़ती जाती है। तो श्री राजा बने टेलीकॉम मिनिस्टर, और उन्होंने ये तय किया कि अब नए एप्लीकेशन मंगवाएंगे 2G के लिए, क्योंकि 2003 में इंडियन गवर्नमेंट में भी 2G का चला, परंतु उस समय मार्केट बहुत छोटा था। 2001 में भी चला, उस समय बहुत छोटा था, उस समय मोबाइल सेट सिर्फ 4 करोड़ थे, और 2008 में मोबाइल सेट्स हमारे देश में 70 करोड़ हो गए, तो 70 करोड़ हो गए, 700 मिलियन, तो बड़ी मार्केट होगी, बड़ी डिमांड हो गई। तो उसने कहा कि अब नए लोगों को लाना है, पुराने जो चंद लोग थे पर्याप्त नहीं है, नए लोगों को के लिए दरवाजा खोलनी है। तो उसने कहा कि लाइसेंस जो भी दें, लाइसेंस मांगने के लिए एप्लीकेशन दें, ये उसने 3 सितंबर 2007 को उसने बोला, मैंने ऐलान किया, तो बड़े नए एप्लीकेशन आने लगे। और राजा के उस समय दिमाग ये था कि मेरे दो कंपनी जो विशेष हैं उसको तो दिलवाना है। एक ही समस्या थी कि ये दोनों कंपनी जो थे ये टेलीकॉम कंपनी नहीं थे, रियल एस्टेट कंपनी थे, इनका कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टेलीकॉम कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी होते हुए जब राजा एनवायरमेंट मिनिस्टर था तो उनका खूब उन्होंने खिलाया पिलाया, तो उसको देने के लिए उसने फैसला की। तो उनको कैसे लाया जाए ये उसके दिमाग में चल रहा था, तो उसने पहले कहा कि एप्लीकेशन आए, और देखा खूब एप्लीकेशन आने लगे। तो सडनली उसने 25 सितंबर को कहा 25 सितंबर सुबह को एक प्रेस रिलीज निकाला लखनऊ में कि 31 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर माने 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर तक जो भी लाइसेंसेस एप्लीकेशन आने हैं उस तक लेंगे,
उसके बाद दे लेंगे। तो 25 सितंबर के बाद और 1 अक्टूबर के पहले भीड़ लगी और 575 लाइसेंसेस की एप्लीकेशंस को लाए। फिर राणा ने अक्टूबर में कुछ नहीं किया, नवंबर में कुछ नहीं किया, दिसंबर में कुछ नहीं किया और जनवरी 10 तारीख को उसने पहला एक प्रेस रिलीज निकाला कि बहुत एप्लीकेशन आ गए हैं, इसीलिए जो एप्लीकेशन 25 सितंबर को आए थे उस तक हम लेंगे और 25 सितंबर से जो 1 अक्टूबर तक आई उसको हम बाद में देखा जाए। अब वो तो इलीगल था, जब आपने कहा कि 1 अक्टूबर तक दे सकते हो, 1 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद आप फिर आप ये कहते हो, यदि 25 सितंबर करना तो पहले कहना चाहिए था। तो ये एक इश्यू बन गया, फर्स्ट कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी, पहले आओ पहले पाओ का जो पॉलिसी थी ये इसने जानबूझकर बदल दी कि जो सितंबर 25 को आए उस तक लेना है। और उसने सितंबर 25 क्यों रखा, क्योंकि पहले से उन्होंने अपने दो खास कंपनी जो थे स्वान और दूसरा यूनिटेक, ये दोनों रियल एस्टेट कंपनी उनको कह दिया कि तुम 25 सितंबर तक एप्लीकेशन फाइल कर दो, बाकी लोग आस्ते आस्ते कहेंगे वो 1 अक्टूबर तक टाइम है तो वो टाइम लगाएंगे, तुम पहले फाइल कर दो। तो उन्होंने फाइल कर दिया, इसीलिए उन्होंने इसको तय किया। और 10 जनवरी को उसने ये प्रेस रिलीज निकाली जो बिल्कुल इलीगल था, कोर्ट ने बाद में कह भी दिया कि ये इलीगल था। और उस प्रेस रिलीज निकालते वो प्रेस रिलीज निकाली थी 10 बजे सुबह, 2:45 3 बजे उसने एक और प्रेस रिलीज निकाली और ये इसमें इसने अखबार में निकाली, अपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे निकाली। उसने ये कहा कि जिन लोगों ने 25 सितंबर तक लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की वो आज 3:30 बजे और 4:30 के बजे के बीच में 1650 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट ला करके देने से ही उनको लाइसेंस मिलेगी और जो पहले लाएगा उसको पहले देंगे। अब आप बताइए कि 2:45 को आपको कोई कहता है कि 3:30 और 4:30 के बीच में आप 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट लाइए, कोई बैंक आपको देगा? अब ये कहते हैं 1650 करोड़ रुपए लाना है। क्यों 1650 करोड़ रुपए? क्योंकि 1650 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम का दाम था 2001 में और ये 2008 में 2001 का दाम के लिए वो घोषणा कर रहे हैं। अब ये 3:30 बजे और 4:30 बजे के बीच में कैसे लाएंगे? परंतु फिर भी 9 कंपनी को पहले ही पता था कि राजा ऐसा लिखने वाला है, ऐसा प्रेस रिलीज निकलना वाला निकालने वाला है। उसमें स्वान और यूनिटेक के जो मालिक थे वो तो राजा का कमरा ही में बैठे थे उस समय जब ये प्रेस रिलीज निकली, तो उनको तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर वो प्री डेटेड बंबई का बैंक अकाउंट का प्री डेटेड अकाउंट पर उन्होंने जमा किया, उनको लाइसेंस मिला। टाटा के पास भी पहले से था, उसको भी लाइसेंस मिल गया, रुईया को भी मिल गया, सिस्टमा को भी मिल गया, कई लोगों को मिल गया, 9 लोगों को, वीडियो कॉल भी मिल गया, 9 लोगों को ये लाइसेंस मिली। बाकी सारे 575 वालों में सब रिजेक्टेड, क्योंकि उनके पास खबर नहीं थी तो 3:30 बजे और 4:30 बजे के बीच में डिमांड ड्राफ्ट नहीं ला सके। तो इस तरीके से उसने फ्रॉड किया और 2001 के दाम तय करके, किसने तय किया ये बहुत बड़ा रहस्य बाद में आएगा अभी, परंतु उसने तय किया, ऐलान किया और उसने लाइसेंस के लिए इन लोगों को, इस 9 लोगों को दिया। तो इसमें गुलाब का घोटाला था, ये प्रोसीजर घोटाला तो था ही, परंतु जो मुख्य बात कि 2008 में जब 70 करोड़ मोबाइल फोन्स थे तो स्पेक्ट्रम का दाम बढ़ गया था 1615 करोड़ से 1600
सीएजी ने, और सीएजी ने हिसाब लगा करके ये कहा कि यदि ये नीलाम होता तो 10 गुना दाम पर बिकता, और यदि ये 10 गुना दाम पर बिकता तो फिर सरकार को अतिरिक्त सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए मिल जाते, यानी उसमें सीडीए में क्रॉसओवर ये सब की जोड़ करके। अभी क्या है, 9 कंपनी ने 1,650 करोड़ रुपया दिया, तो इस माने 9 × 1650 crores माने लगभग 15,000 करोड़ के 10 गुना कितना है, 1,50,000 करोड़। उसके बाद उस सीडीए में वाईमैक्स और ये छोटे मोटे उसमें वो भी किए, उसके लिए आपके 1,76,000 बिल्कुल सही कैलकुलेशन निकली। अब कपिल सिब्बल ने कह दिया ये तो जीरो है, ये जीरो लॉस का है, ये पता नहीं सीएजी ने कैसा कह दिया। लोगों ने कपिल सिब्बल को गाली दिया, कहा कि ये क्या प्रूफ है। मैंने कहा बेचारा वो तो जीरो से आगे गिन भी नहीं सकता है, इसीलिए क्यों उसको बुरा कहते हो। अभी दिल्ली में अर्थक्वेक हो गया, प्रधानमंत्री क्योंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसके नीचे है, तो उन्होंने फोन किया कपिल सिब्बल को, कहा कि अर्थक्वेक हो गया दिल्ली में, बाप रे बाप कितने रिक्टर स्केल का था। उन्होंने कहा जीरो, जैसे सब जगह जीरो, यहां भी जीरो ही था। तो सिब्बल तो कुछ भी बोल सकते हैं, और उल्टा सुल्टा बोलते हैं, बाद में कटाक्ष होती है, सचिन चौधरी जो इतना बेशरम है वो रिजाइन करके जाएगा नहीं, पर आगे देखेंगे इसका। अभी ये छोटा छोटा उस्ताद है, बड़े उस्तादों को पहले पकड़ ले, इसके बाद छोटे उस्तादों के लिए। मुझे कांग्रेस वाले कहते हैं कि तुम तो सिर्फ कांग्रेस वालों को ही पकड़ने में लगे हो, ये बीजेपी वालों को क्यों नहीं पकड़ते। तो मैंने कहा देखो, मैं सरकार में नहीं, मैं एक व्यक्ति हूं जो अपने साधन पर अपने होशियारी से अपनी बुद्धि से सब कर रहा हूं, मेरे सीमित शस्त्रों के साथ मैं कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि तुम सरकार में हो इसीलिए अपने ऊपर केस कभी नहीं डालोगे, इसीलिए मैं केस डाल रहा हूं आपके ऊपर। बीजेपी वालों ने किया है, कौन रोक रहा है आपके आपको उनके ऊपर केस डालने के लिए। मैं तुम्हारे काम करूं, तुम्हें दंगा मिले आराम करे, और मैं सारा काम करूं, मुझे सीबीआई में डायरेक्टर बना दो, मैं सबको पकड़ लूंगा एक दिन। तो इसीलिए कल मुझे कहते हैं इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, मैं कहा मेरे पास समय है, यही जो है ये मेरा पूरा समय देता है, फिर दौरा करता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, मैं तो राजनीतिज्ञ हूँ तो मुझे तो दौरा करना ही है, कि सब समय में मैं एक एक को पकड़ के आ रहा हूँ, और एक एक को पकड़ के अंत तक तो ले जाऊंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं हो, तो बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये हुआ कि दाम तय हुआ 2001 में, और लाइसेंस मिली 9 लोगों को, और उन्होंने खूब लोगों ने कमाया, क्योंकि जिन लोगों को लाइसेंस मिली उन्होंने सर्विस नहीं शुरू किया, उन्होंने जाकर विदेशी कंपनी को बेच दी, जैसे ये स्वान कंपनी और ये यूनिटेक है, स्वान ने बेच दी एटीसलाट को, और इस और स्वान ने बेच दी एटीसलाट को, और यूनिटेक ने बेच दी यूनिटेक ने बेच दी टेलीनॉर को, जो नॉर्वेजियन कंपनी है। इन दोनों कंपनी के बाद हमारे होम मिनिस्ट्री ने, जब वो शिवराज पाटिल थे मंत्री, तब उन्होंने लिखकर दिया था ये दोनों कंपनी हमारे लिए अच्छा कर रहा है, यानी हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा कंपनी का है, क्योंकि एटीसलाट पाकिस्तान के कंट्रोल में, आईएसआई के कंट्रोल में, और यदि ये बेचकर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे तो ये हिंदुस्तान के अंदर आ जाने के बाद यहाँ आईएसआई के लोगों को टावर लगाने के लिए, इक्विपमेंट लगाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए आपको घुसा देंगे, बिजली पानी नहीं देना चाहिए। फिर भी राजा ने लाइसेंस दिया और इनको अनुमति दिया कि लाइसेंस लेते ही जाकर बेच दो। कितने गुना पर बेचा, 8 गुना दाम पर बेचा। लाइसेंस मिला 1,650 करोड़ रुपए में, उन्होंने खर्चा सरकार को दिया 1,650 करोड़, और उस लाइसेंस को बेच दी उसने एटीसलाट को स्वान ने, और उसने 8
इससे कितना लाभ हुआ। वैसे ही इसने भी बेचा, यूनिटेक ने भी, टाटा ने डोकोमो को बेच दिया, रुइया ने बेच दिया वोडाफोन को, और किसी ने सिस्टेमा को बेच दिया, किसी ने रशिया का कंपनी को बेच दिया, किसी ने बामेन की कंपनी को बेच दिया। सब ने 8 गुना 9 गुना, टाटा ने तो 13 गुना कमाया, क्योंकि टाटा के पास पहले से बनी हुई टावर्स थी, इक्विपमेंट थी, सब थी। ये स्वान के पास कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन था और कुछ नहीं था, और यूनिटेक के पास भी जमीन था और कुछ नहीं था। तो उनको 8 गुना मिला, टाटा को 13 गुना मिला, किसी को 20 गुना मिला। तो इस कुल मिला करके इन लोगों ने खूब कमाया। तो ये कंपनी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को रिश्वत में पैसा दिया। रिश्वत में कितना पैसा दिया? 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए। अब ये साइकिल में आता था, 15 साल पहले मैंने देखा है मद्रास में साइकिल में घूमता था। ये छोटा शहर पेरम्बलूर से है, साइकिल में छोटा मोटा जो वकील था उसको उठा करके इस पद में बैठा दिया इसने, और सोनिया गांधी को 36,000 करोड़ रुपया दिया। अब छोड़ दे, मानी सोनिया गांधी असली रहनुमा थी राजा की, इसीलिए प्रधानमंत्री को भी हिम्मत नहीं हुई राजा को कहने के लिए। चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री ने कि नीलाम करो, उसने चिट्ठी जवाब दिया राजा ने, है तो कौन होता मुझे पूछने वाला, मैंने फैसला कर दिया है कि इसको हम इसी दाम पर देंगे, और ये चुपा में प्रधानमंत्री। तो अब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री को भी पकड़ के अंदर करो ना, मैंने कहा तो ये चल जाएगी तो कौन आएगा इसकी जगह में, राहुल बुद्धू आएगा, उससे हमें जो और बुरा हाल होगा। तो अभी इसी को रहने दो, जब यूपीए को साथ उखाड़ सकते हैं तो उस समय मनमोहन सिंह भी चले जाए, हमें कोई इतराज नहीं, पर तो अकेला इसको भेजना हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जगह में कौन आएगा वो मुझे पता है। इसीलिए देश के हित में इसको अभी रहने में कोई हर्जा नहीं। तो ये 36,000 करोड़ सोनिया गांधी को दिया, फिर तो 36,000 करोड़ और 15,000 करोड़ जोड़ो तो हो गया 51,000, और फिर उसमें जोड़ो 4,000 राजा का हिस्सा, 55,000 करोड़ रुपया, बाकी 5,000 करोड़ कहाँ गया? वो मैंने पता किया तो पता किया कि चिदंबरम के पास गया। तो मैंने कहा ये चिदंबरम कहाँ आ गया? करुणानिधि समझ सकते हैं पार्टी का अध्यक्ष है, सोनिया गांधी समझ सकते हैं यूपीआई का अध्यक्ष है, ये चिदंबरम कहाँ से आ गया? तब मुझे विचार करने का मौका मिला, जांच करने का मौका मिला, तो तब मैंने रिकॉर्ड देखने लगा, और रिकॉर्ड में ये निकला कि 2003 में एनडीए गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पास किया था 2003 में, उसमें क्या पास किया था कि ये जो स्पेक्ट्रम का दाम तय करने की बात है ये टेक्निकल बात है, और इसमें कैबिनेट में कोई चर्चा मुझे कोई फायदा नहीं। चिदंबरम थे तो आ गए, दोनों ने तय किया, राजा ने तय कैसा तय किया? फिर मैंने रिकॉर्ड ढूंढने लगा, कई रिकॉर्ड गायब थे। तो फिर मुझे मैंने अपने मेरे बहुत दोस्त होते हैं गवर्नमेंट में, लोग पूछते हैं कहाँ से ये सब निकालते हो, हमारे दोस्तों ही देते हैं, मैं अपने दोस्तों को छिपा के रखता हूँ, दुश्मन को खुलेआम खुलासा करता हूँ, बाकी लोग तो उल्टा करते हैं, दोस्तों को खुलासा करते हैं, दुश्मन को छिपा के रखते हैं, नाम छिपा के रखते हैं। तो मैंने दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा ये दोनों मिलते थे, 4 मीटिंग की इतना मिनट्स भी है, और मिनट्स का कॉपी मिल गया मुझे। 4 मीटिंग हुई चिदंबरम और राजा के बीच में, और चारों में चिदंबरम राजा को सिखा रहा है कैसा करना है, क्या 2001 के प्राइस में फिक्स करो। फिर ये जो कंपनी चाहे इतना बुरा नहीं होता कि 16,050 करोड़ में देते, क्योंकि फिर कह सकते हैं कि टेलीकॉम का सर्विसेज सस्ते दाम पर दे सकते हैं, परंतु जब आपने उनको बेचने के लिए मौका दिया तो फिर ये सस्ता का सवाल क्या है? यानी आप ये स्मार्ट टेलीकॉम को लाइसेंस सस्ते दाम पर दो और वो महंगे दाम पर बेच दे, तो सरकार सीधा महंगे दाम पर बेच सकती थी, क्यों ये इस रूप से इनको कमाने के लिए मौका दिया? तो फिर मैंने देखा ये कैसा अलग है, क्योंकि रूल था कि लाइसेंस मिलने के बाद
लाइसेंस भेज नहीं सकते हो, तो फिर ये कैसा हो गया। तो फिर मैंने फाइल खोला और फाइल में देखा कि एक नोट लिखा है राजा ने, उसने कहा है कि मैं मुझे कंप्लेंट आई कि ये एटीसलाट और टेलीनॉर ने लाइसेंस खरीदने का फैसला किया है और तो 3 साल का बार है, ये इसमें ये इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती थी, ऐसा मुझे लगा। पर तो चिदंबरम ने मुझे समझाया कि प्रतिबंध है लाइसेंस बेचने के लिए, पर तो तुम कंपनी बेचने के लिए दो परमिशन और उसमें लाइसेंस भी चले जाएंगे तो हमारा दोष कैसा हो सकता है। देखिए चिदंबरम वकील है और चोर है, तो चोर वकील चोर बन जाएगा तो बात निकल जाता है। उसने ऐसा रास्ता उसको दे दिया कंपनी बेच ले, तो राजा ने उर्दू में लिख दिया कि चिदंबरम ने मुझे समझाया कि ऐसा हम कंपनी को बेचने के लिए अनुमति दे देंगे तो फिर तो लाइसेंस चले जाए नहीं चले जाए ये हमारा कसूर नहीं है। तो ये होते मैंने फिर सोचा कि अब ये मामला राजा ने अकेला नहीं किया, तो मैंने कोर्ट में पहले तो उस समय थोड़ा व्यस्त था कि राजा के बाद मनी मोड़ी ने पैसा कमाया तो उसको भी अंदर करने के लिए, फिर पता लगा कि जब राजा के पहले ये मारक था इसने भी कई बदमाशी की उसको भी अंदर करने के लिए कार्रवाई करनी थी, या होने के बाद फिर मैंने चिदंबरम का शुरू किया और मैंने ट्रायल कोर्ट में क्योंकि मेरा अलग से केस चल रहा है ये भी अभूतपूर्व है, क्योंकि नॉर्मली एक पिटिशन कंप्लेंट फाइल करोगे कोर्ट में तो कोर्ट फिर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है उस केस को चलाने के। मैंने कोर्ट में जाकर कहा कि मुझे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाओ, तो जज ने कहा तुम्हें कैसे बना सकते हैं, आपके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है, ये तो सीआरपीसी में लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप कैसे बन सकते हैं। तो मैंने कहा वो तो सीआरपीसी में, ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में देखना चाहिए, सेक्शन 5 पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो कंप्लेन देता वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है, उसको नॉमिनेट कर सकता है। तो फिर जज ने कहा कि मुझे पढ़कर सुनाओ, मैंने पढ़कर सुनाया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने ये मुझे बताया नहीं। हमारे देश में कानून बहुत है ऐसा, इसीलिए हम आज़ादी को कहते हैं नए कानून बने जब लोकपाल में बहुत अच्छा, पर तो वो बनने तक चुप नहीं बैठना है, इसी के कानून आज के वर्तमान विधि व्यवस्था में कार्रवाई कर सकते हैं, आस्ते भले वो पर्द कर सकते हैं वो भी करते जाना चाहिए। ये मैंने उनसे कहा था, उन्होंने माना नहीं, जब लोकपाल दिन आने तक हम अनशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितना फर्क है हमारी और नाजारी की कि हम समझते हैं कि आज के वर्तमान कानून में भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया मेरे केस में, सीबीआई अलग से चला रही है, और मैंने कहा कि हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, सीबीआई राजा को प्रोसिक्यूट कर रहा है तो मैं राजा के लिए प्रोसिक्यूशन अभी रोक कर रखता हूँ, क्योंकि मैंने कहा सीबीआई का क्या करता देखता हूँ, और सीबीआई कोई छोड़ दे तो मैं अपना उसमें जोड़ देता हूँ। तो सीबीआई ने चिदंबरम को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि चिदंबरम साहब होम मिनिस्टर हैं और सीबीआई के सारे ऑफिसर आईपीएस हैं, उनका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड जो प्रमोशन के आधार करती है वो सब होम मिनिस्ट्री तय करती है, चिदंबरम खुद लिखता है, सबका करियर खराब कर सकता है। तो ये सारे सीबीआई ऑफिसर्स कहते हैं ये तो महादुष्ट आदमी है, ये इससे हमें छुटकारा मिलने के बाद उसको हम सबक सिखाएंगे, आप किसी तरीके से कोर्ट में इसका नाम अपराधियों में डाल दीजिए, आरोपियों में डाल दीजिए, फिर हम पूरा काम करेंगे, तब तक हमारे करियर का सवाल है हम कुछ नहीं कर सकते, ये हाल है सीबीआई की। तो मैंने जाकर कंप्लेन दिया और जज को दिया, कहा कि चिदंबरम को हाजिर कराओ और उसको सौ आरोपी बनाओ। तो बहुत लंबी बहस चली, 1 महीने चली, 4-5 हियरिंग्स हुए, दस्तावेज सारे मैंने पेश किए और जज ने आखिर में कह दिया नहीं चिदंबरम को सौ आरोपी बना नहीं सकते। अब क्यों था ये अभी मैं बताऊंगा, परंतु मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया, 16 मार्च को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई।
विधि व्यवस्था में होती है। मैंने लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मांगा था दिल्ली हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया मेरा पिटीशन को। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, वहां जीत गया। फिर मैंने राजा के खिलाफ मुझे सैंक्शन प्रधानमंत्री नहीं दे रहे, इसलिए प्रधानमंत्री को नोटिस भेजिए, वो मैंने हाईकोर्ट को कहा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को नोटिस भेज दिया। तो इसीलिए इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है कि इसने ट्रायल कोर्ट में ऐसा क्यों किया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को बहस करूंगा। क्या बहस करूंगा? अब देखिए, ये ट्रायल कोर्ट का जज का मंशा क्या था मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने 70 पैराग्राफ की ऑर्डर दी, उसमें 68 पैराग्राफ मेरे फेवर में। आखिर में वो कुछ और कहते हैं, ये 68 पैराग्राफ में कहते हैं कि स्वामी ने सिद्ध कर दिया, मोटी बात मैं बता रहा हूँ, सिद्ध कर दिया कि राजा ने अकेला फैसला नहीं किया, कुछ दमनों के साथ मिलकर के दाम तय किया 2001 का, जैसे 2003 की कैबिनेट रेजोल्यूशन के अनुसार ये दोनों मिले, चार बार मिले और चारों बार चिदम्बरम ने जिद किया कि 2001 का दाम होना चाहिए, ये स्वामी ने सिद्ध कर दिया। पहली बात उसने कहा। फिर दूसरी बात कहा कि स्वामी ने ये भी सिद्ध कर दिया है कि राजा को समझाया चिदम्बरम ने कि इन कंपनीज को लाइसेंस मिलने के बाद वो विदेशी कंपनी को बेच सकते हैं तीन साल के पहले ही, ये कहकर कि कंपनी बिक सकता है, लाइसेंस उसके साथ चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी चिदम्बरम ने समझाया, ये भी सिद्ध कर दिया स्वामी ने। लेकिन स्वामी ने ये सिद्ध नहीं किया कि चिदम्बरम ने क्रिमिनल माइंड से ये सारे किया, हो सकता है कि अनजाने दे दिया होगा, ये सारा उसने लिखा। अब मुझे आश्चर्य होता है, ये तो कहां से पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा लिख दिया, हो सकता है कुछ और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में मंशा जो उसको मंजरिया कहते हैं, मंजरिया ये सिद्ध कब करोगे? ट्रायल में करोगे। पहले उसको बुलाना होगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, विटनेसेस आएंगे, सबूत और पेश होंगे। अभी तो प्राइमा फेसी स्टेज में सिर्फ ये दिखाना है कि हाँ चिदम्बरम ने अपराध किया होगा राजा से मिलकर। वैसे राजा को अपराधी माने गए, उसके नाम पर केस भी जमा है और चार्जेस भी पूरे हो गए। इतना ही दिखा, ये तो जज खुद मांग रहा है कि मैंने दिखा दिया कि जहां अपराध हुआ और दोनों इकट्ठे थे, दोनों एक मन के थे, तो हो गया प्राइमा फेसी केस। अब तो आगे कन्विक्शन के लिए, ट्रायल के लिए और ये उसको सजा देने के लिए जब ये शुरू होगी, तब मुझे बताना होगा कि इसने जानबूझ कर किया, जानते हुए कि गलत है, ये तो उस पर कर रहा है। और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में सेक्शन 13 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डी ब्रैकेट पार्ट 3, इसमें लिखा है कि यदि एक सार्वजनिक पद में एनी पर्सन इन पब्लिक ऑफिस, यदि वो किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाता है और ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये सार्वजनिक हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तब वो अपराधी है और 7 साल की सजा उसको मिलनी चाहिए। ये लिखा है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में। इसमें क्रिमिनल माइंड का सवाल नहीं है, इसीलिए तो अलग से एक्ट बनी है। जब मर्डर होता है तो दिखाना पड़ता है कि इसने जानबूझकर उस मंशा के साथ इसकी हत्या की, ये दिखाना होता है, बलात्कार में दिखाना होता है। परंतु वो तो सारे आईपीसी में है और सीआरपीसी के अनुसार चलती है ट्रायल, तो आईपीसी के जो डिफरेंसेस हैं उसमें मेंजरिया माने दिमाग में ये था उसका ये अपराध करने का, ये दिखाना होता है। और ये मुश्किल है करप्शन केस में, इसीलिए तो अलग से करप्शन एक्ट बनी। और करप्शन एक्ट में ये कहा है कि यदि पद सार्वजनिक पद में रहते हुए, दुरुपयोग भी नहीं, सार्वजनिक पद में रहते हुए किसी और को लाभ पहुंचाए, जैसे स्वाम को पहुंचाया, जैसे ब्रिटिश है ये यूनिटेक को पहुंचाया, लाभ पहुंचाया, और ये राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्रहित में तो है ही नहीं, सबको पता है कि 1,76,000 करोड़ की नुकसान हो गई इससे, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे कहने पर लाइसेंस भी कैंसिल कर दी, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये राष्ट्रहित में
करने के लिए कोई दवा भी मैं नहीं जानता, पर सुप्रीम कोर्ट में तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ये चिदम्बरम को तिहाड़ जेल बनाने के जाने की रास्ता बन जाएगी। अब तिहाड़ जेल का सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे कंप्लेंट भेजा है, उसने कहा है ये स्वामी जो है ये सिर्फ मद्रासियों को जेल भेज रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या बुरा है, तो कहा कि वो आते हैं यहाँ पे मसाला डोसा मांगते हैं, इडली मांगते हैं, हमारी बच्ची को बनाना जानता नहीं है, तो परेशान हो गया और तो दुखी है। मैंने कहा कल कोई इटालियन महिला को भेजो पिज्जा मांगेगी तो क्या होगा। उसकी बारी आ रही है, अब पता नहीं मैं पहले जाऊंगा या भगवान पहले आएगा, क्योंकि उसका टर्मिनल कैंसर हो गया पैंक्रियास का, तो भगवान का तो फैसला तो अंतिम होता ही है। अरे तो ये सोनिया गांधी के पीछे में पड़ा हूँ, लोग कहते हैं अरे मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ, वो देश का हानि कर रही है तो मुझे तो उसका और तो खोलना पड़ेगा। नहीं, वो बेचारी वो साड़ी पहनती है, फिर बिंदी लगाती है, बहू बनने चाहती है और आप उसको विदेशी विदेशी बोलते रहते हो। सोनिया जी का असली नाम नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, उसमें तो लिखा है एंटोनिया, तो फिर सोनिया नाम कैसे हो गया, कम से कम बताना चाहिए। फिर इसने कहा कि मैं और बसानो शहर में पैदा हुई हूँ, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है दूर जगह एक जर्मन बॉर्डर में, उस वहाँ उसका नाम है लुसियाना, वहाँ मैं पैदा हुई। तो ये जन्म स्थान का भी झूठ। फिर एजुकेशन में उसने कहा, शपथ लेकर कहा जब वो कैंडिडेट बनी कि मैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पढ़ी और मुझे इंग्लिश में डिग्री मिली, तो लोग बड़े प्रसन्न, अरे 5 साल वो लंदन में पढ़कर डिग्री ली, यहाँ ही उसकी भेंट हो गई राजीव गांधी से और दोनों स्टूडेंट्स थे और इसमें इश्क हो गए, प्रेम हो गया, शादी हो गई। परंतु जब मैं गया केंद्रीय यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए और मैंने डिनर के टाइम पर कहा कि सोनिया कभी नहीं थी, तो मैंने कहा ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं थी, नहीं बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा एंटोनिया माइनो के नाम से भी नहीं, नहीं एंटोनिया माइनो के नाम से भी नहीं। तो मैंने कहा लिखकर दे दोगे, मैंने कहा लिखकर दे देंगे, तो मैंने लिखकर दे दिया रजिस्ट्रार ने कि सोनिया गांधी माइनो एंटोनिया माइनो, ये सारे नाम पर जो 4-5 नाम थे मैंने दिया, नाम से कभी स्टूडेंट याद नहीं था। मैंने आकर स्पीकर को दिया, मनोज जोशी थे उस समय शिवसेना के स्पीकर, मैं कहा ये सोनिया गांधी से पूछो, क्योंकि पार्लियामेंट के बायोडेटा में उसने दिया कि मैं केंद्रीय से डिग्री ली हूँ और वहाँ कैंडिडेट होते हुए शपथ लिया कि मैं, तो उन्होंने उसको भेजा कि ये स्वामी का चिट्ठी है, उसने उसने केंद्रीय यूनिवर्सिटी का चिट्ठी भी दिया, तो आपका जवाब क्या है। तो जवाब आई कि ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, टाइपिंग मिस्टेक इतना लंबा, नहीं कॉमा फुल स्टॉप एक तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, बट डिग्री होके स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट ए डिग्री इन इंग्लिश इतना लंबा, तो फिर तो मैंने मनोज जोशी को कहा कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो कि लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। तो ये जो आपको वास्तविकता बताने के लिए तैयार नहीं है, सारी चीजें इसके बारे में झूठ है कि मैं क्या कर दिया प्रधानमंत्री के पद, ये भी झूठ है। क्या हुआ कि 14 मई 2004 को अखबार में आ गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के लिए, तो मैंने चिट्ठी लिख दी अब्दुल कलाम को कि ये जो सोनिया गांधी की चिट्ठी है कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव किया ये तो अवैध है, ये तो नहीं हो सकता और इसमें सेक्शन 5 प्रोविजो सेक्शन 5 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट में एक बंधन है इनके ऊपर, तो मैंने इनको लिख दिया। मैं फिर दिल्ली आया, 17 तारीख को मैं टीवी में बैठ के देख रहा था कि
तो मैंने कहा कि मेरा चिट्ठी गया वैसे, लेकिन 12:30 बजे मुझे अब्दुल कलाम का फोन आया, कहा कि तुम कहाँ हो, मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी मद्रास से आया, तुरंत आ जाओ। मैंने कहा कब तक, मैंने कहा 12:45 तक। मैंने कहा मैं लंच कर रहा हूँ, लंच के बाद। नहीं 12:45 नहीं आओगे तो मत आना। तो मैं भागा, मेरे घर बहुत दूर नहीं है। तो मैं पहुँचा, दफ्तर गया, वहाँ बैठे हुए हैं राष्ट्रपति जी और सारे उनके ऑफिसर बैठे। उन्होंने कहा कि चिट्ठी देखो तुमने लिखा ना, मैं कहा इनको सबको समझाओ। तो मैंने समझाया कि सिटीजनशिप एक्ट में उसमें एक प्रोविजो है, जो सिटीजन बनते हैं हमारे देश में वो सेक्शन 5 के अनुसार बनते हैं, उसको कहते हैं सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन। ये पैदा हुए देश में वो सिटीजन नहीं, हाँ पर हम तो इस देश में पैदा हुए, परंतु वो जो सिटीजनशिप एक्ट है वो विदेशी जब बनता है उसका है। तो फर्क क्या है कि मैं और आप पैदा हुए तो दुनिया में कोई भी, यदि हम दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेंगे तो हमारी कोई भी सरकार आए हमारी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते। परंतु जहाँ तक वो सिटीजनशिप एक्ट में जो बनते हैं वो उनका नागरिकता 4-5 कारणों से कभी भी समाप्त कर सकते हैं। परंतु एक प्रोविजो भी है, उसमें ये है कि जो भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बनता है वो उसके ऊपर वही अंकुश और रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे जो इंडियन के देश में बनने के ऊपर लगता है। इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी क्लॉज। और इटली में आप उस देश में पैदा नहीं होते तो फिर आप उस देश का प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। तो इसलिए इटालियन देश में बनेगा तो वो भी क्योंकि देश में पैदा नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये मैंने बताया आपको, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली वाइड है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने 2-3 जजमेंट भी सुनाई जहाँ इस पर कई पुराने केसेस पर फैसला हुआ कि नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। मैंने कहा बात करो तो अफवाह बन गए थे, मैं क्या बोलूँ। तो कहो कि मैं गंभीरता से जांच कर रहा हूँ। मैंने कहा परंतु 5 बजे आपने उनको बुला लिया। तो उन्होंने कहा 5 बजे अभी तो 1 बज रहा है, तुम कहाँ 5 बजे की बात कर रहे हो। तो मैं चले गया। 3 बजे राष्ट्रपति एक नया चिट्ठी लिखते हैं सोनिया गांधी को कि मैंने आपको 5 बजे बुलाया, लेकिन इस बीच में सुब्रमण्यम स्वामी आ गए कंप्लेंट के साथ और उन्होंने पता नहीं इस कंप्लेंट में कोई तथ्य है कि नहीं है, परंतु मुझे सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ेगा राय पूछने के लिए, इसमें कुछ दम है कि नहीं दम है, तब तक मैं आपको आमंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए 5 बजे का अपॉइंटमेंट कैंसिल, और यदि आपको वैसे भी मुझसे मिलना है तो कल आ जाइए 10 बजे आ जाइए। ये चिट्ठी किसने मुझे बताया? उस समय 2 लोग उपस्थित थे जब चिट्ठी पहुंचा सोनिया गांधी के पास, उसमें एक मनमोहन सिंह थे दूसरे नटवर सिंह थे। इन दोनों में से किसने बताया मैं बताऊंगा नहीं आपको। उन्होंने कहा कि आती चिट्ठी है होने लगी। फिर हम मनमोहन सिंह पर गया 4-5 बजे सारे इंग्लिश इकट्ठे हो गए क्योंकि वो ऐलान हुई था कि जाने के पहले एमपी से मिलकर जाएगी। तो सारे एमपी से उसने वो चिट्ठी पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, आंखी नहीं लाइन नहीं पढ़ा कि कल आपको 10 बजे मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने कहा कि कुछ कारणवश ये व्यस्त हैं राष्ट्रपति, तो आज 5 बजे नहीं कर सकते, तो कल बुला लिया है, तो हम कल जाके मिलेंगे। अब मैं जब निकल रहा था राष्ट्रपति के दफ्तर से, उस समय मैंने मेज में देखा सारी चिट्ठियां पड़ी हैं प्रदेश अनुसार गठे। तो फिर मैंने देखा उसमें एक एक लिखा है मैं सो एंड सो इस निर्वाचन क्षेत्र इस प्रदेश से चुन के आया हूं और मैं सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित करता हूं। 347 चिट्ठियां ऐसे थी सोनिया के समर्थन में। मैंने फिर उत्तर प्रदेश की जो गुच्छा है उसको देखा, उसको राष्ट्रपति उस समय मेरे तरफ नहीं देख रहे थे तो मैंने जल्दी देखा, तो उसमें उत्तर प्रदेश में एक चिट्ठी थी सोनिया गांधी की भी, मैं सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित, मैं सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करती हूं।
राष्ट्रपति को हम बधाई देते हैं अब्दुल कलाम को, हिम्मत करके इसको रोक दिया। और जब ये 2007 में राष्ट्रपति की चुनाव आई, उस समय क्या हुआ, उस समय सारे ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी को छोड़कर तैयार हो गए कि इनको दोबारा राष्ट्रपति बनाना है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोई भी बन जाए, जियाउल हक भी बन जाए, मुशर्रफ भी बन जाए, पर ये नहीं बन सकता है। और खेल की बात है कि उस समय बीजेपी ने बैरों सिंह शेखावत का नाम प्रस्तावित किया और राष्ट्रपति ने इनको फोन करके कह दिया कि आप इसमें मत लड़िए, बड़ा विवाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आगे इस कल की चुनाव के रिजल्ट जैसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि कांग्रेस चौथा पोजीशन में होगी, लोग कहते हैं नहीं नहीं पांचवा पोजीशन में होगी, इंडिपेंडेंट से भी ज्यादा लेने वाले हैं, पता नहीं तो बुरी हालत होने वाली है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में ऑपोजिशन का कैंडिडेट बन सकता है। इस बार दोबारा अब्दुल कलाम को भेजने के लिए हिम्मत की, तो ये राष्ट्रपति के लिए जरूरी। मैं ये सारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे जो भ्रष्टाचार होते हैं इसके रहनुमा ये। अभी हमने एक हवाई जहाज खरीदने के लिए फैसला किया फ्रांस, ये फ्रांस का जो हवाई जहाज रफेल, ये अभी लीबिया में उसकी बॉम्बिंग की यानी सॉर्टीज हुए थे नेटो फोर्सेस के तरफ से, उन्होंने रफेल को भेजा, फिर स्वीडन ने अपने बिगिन को भेजा, फिर यूरो ने कोई टाइकून भेजा, अमेरिका ने F-16 भेजा, ये सब लोगों ने अपना हवाई जहाज भेजा लीबिया को बॉम्ब करने के लिए। और एक एनालिसिस आई है, सबसे महंगा पेट्रोल कंजम्पशन में, ऑयल कंजम्पशन में, मेंटेनेंस में सबसे महंगा रफेल निकल गया और दुनिया में कोई देश तैयार नहीं हुआ रफेल खरीदने के लिए। स्विट्जरलैंड ने अभी हाल में उस रफेल को नाम दे दिया, लेकिन 50,000 करोड़ में हमारे भारत एकमात्र देश है जो रफेल खरीदने के लिए फैसला किया, क्योंकि सोनिया गांधी और वो राष्ट्रपति जो है फ्रांस का, उसकी बीवी का नाम है कार्लो ब्रूनी, वो भी इटालियन है, और दोनों ने मिलकर के ये फैसला किया कि इतना रिश्वत ये सब हमारा अगला केस बनने वाला है और ज्यादा मुझे अभी बताने की जरूरत है। तो हर चीज में उनका है। अभी कमांडर इन चीफ जो हमारे वीके सिंह का क्या बेइज्जती की गई है, उसका कोई कसूर नहीं था, वो ज्यादा छोटा लड़का था 10वीं क्लास का, उस समय उसने सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरने के लिए अंग्रेजी में था फॉर्म, उसने स्कूल टीचर से कहा भर दो, तो स्कूल टीचर ने सब ठीक समझा, परंतु डेट ऑफ बर्थ ने महीना का गलती नहीं किया, तिथि का गलती नहीं किया, यह जो साल थी उसकी गलती की, 1951 की जगह में उसने 1950 कर दी, 50 में यानी एक साल के बाद। ये जब भर्ती हुआ तब मिलिट्री ने पूछा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ, और स्कूल उस तक उसने 10th क्लास पास कर ली थी, वो उस समय उसको मैट्रिक कहते थे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भेजो, मैट्रिक सर्टिफिकेट में 1951 लिखी है, और 1951 बर्थ डेट दे दो तो इस साल उसको रिटायर नहीं होना है। लेकिन ये बड़ा ईमानदार कमांडर इन चीफ था, इसने कोई भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, सुखना का जमीन का घोटाला सब बड़े ऑफिसर्स को उसने छुट्टी कर दी, तो इतने सारे परचेजेस की थी उसमें, कमीशन कमाने की बात थी उसमें, उसने नाम आना कहते गए, तो इसको इस सवाल को उठा के झूठा बना करके उसने ये 1950 की डेट करा के इसको अगले मास में मई मास में को रिटायर कर रहे हैं, यानी वो अगले साल रिटायर होगा तो क्या होता है, जो अभी बनाने के लिए फैसला हुआ है विक्रम सिंह वो नहीं बनता। विक्रम सिंह कांगो में गया था उसका वहां नाम खराब, कश्मीर में गया उसका वहां नाम खराब, उसके बेटे यानी ससुर बहु है वो तो पाकिस्तानी है, तो ये सारे होते थे इसको क्यों हुआ, और भ्रष्टाचार में मई में, तो इसीलिए ये सारे लोग जो
कहते हैं मनमोहन सिंह की याद ही है, लोग कहते हैं कि कैसा ये मनमोहन सिंह जो है, यानी सिंह जो लाइन होता है। मैंने कहा देखो सर्कस में 5 सिंह होंगे और ये उतला उतला रिंग मास्टर होगा और वो कहेगा ऊपर चढ़ो और ये सिंह सब ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ी पर चढ़ेंगे, मेज पर चढ़ेंगे। एक एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से मारे इस रिंग मास्टर को मर जाएगा। तो वैसे ही सिंह है हमारे मनमोहन सिंह, सर्कस का सिंह है और ये सोनिया गांधी कहेगी ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के पद के पास इतनी ताकत है, अभी ये हाल है। तो वो झुक गए थे और कहते मैं क्या करूँ, ये हाल है। जैसे भीष्माचार्य द्रौपदी का वस्त्र देखते रह गए, वैसे ये भी देखते रहे। मैं विवश हूँ, वही कहा था कृष्ण भगवान ने, कहा था अर्जुन को कहा कि ये नैतिकता के सवाल पर मत जाओ, इसने अपराध किया इसलिए देखते रहे। तो मनमोहन सिंह की बारी आई थी, हम तो अभी इसको नहीं भेजना है क्योंकि इसकी जगह खाली अकेला होगा तो और भी देश का नुकसान होगा। अभी रहने दो, इससे यूपीए और भी नीचे जाएगी और चुनाव में अगले चुनाव में चली जाएगी। या हो सकता है कि ये यूपी के रिजल्ट बहुत बुरे आएंगे तो राष्ट्रपति अपना विपक्ष का बन जाएगा, तो फिर तो मध्यावधि चुनाव हो जाएगी सेप्टेम्बर अक्टूबर में, उस समय नई सरकार आ जाएगी और उसमें मनमोहन सिंह की छुट्टी हो सकती है। तो मैं आज ये आपको ये भूमिका बताने चाहता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला 60,000 करोड़ की रिश्वत इस तरीके से किया गया और हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो ये सब बाहर नहीं आती। इसीलिए मैं पहले तो दोहराई दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने देश को एक आशा दिखाई। अब सुप्रीम कोर्ट भी किस तरीके से जमाना किस तरीके बदले तो सोच रहे हैं, तो देखा जाएगा। मैं मुझे लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है, इन लोगों ने कमा लिया तो क्या बुरा है, काम तो हो रहा है, काम ऐसा नहीं हो रहा है। ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा जाती है आधा तो यहाँ मिल जाती है आधा विदेश चली जाती है। विदेश कौन से रूप से जाती है, हवाला के रूप से जाती है। हवाला कहाँ से जाती है, दुबई के रास्ते से जाती है। दुबई से रास्ते से जाती है तो दुबई में पकड़ किसका है, पाकिस्तान का है, ISI का। तो कोई भी हवाला का होगा वो पाकिस्तान को सलाम भरे बिना जिंदा नहीं रह सकता है दुबई। तो पाकिस्तान की ISI को सब पता है कि कौन से मंत्री का कितना खाता है, कौन सी बैंक में है, कब जमा हुआ है, ये सारी विवरण ये हवाला वाले दे देते हैं पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ हमारे मंत्रियों को किसी को हिम्मत नहीं है स्टैंड लेने की। ये जो अफजल गुरु है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फांसी दे दो, क्यों नहीं दिया अभी तक, इतने साल हो गए 5 साल नहीं दिया, डरे हैं कि भाई हम करेंगे फिर पाकिस्तान हमारी बैंक अकाउंट का खुलासा कर देगी, फिर हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये ब्लैकमेल हो रहे हैं हमारे मंत्री सारे पाकिस्तान से, ये भ्रष्टाचार के कारण व पैसा विदेश में भेजने के कारण ये हाल हो गए। इसी प्रकार से वो बैठा कसाब, वो तो चिकन तंदूरी रोज खाता है, वो तो कहता है कि इतना अच्छा जीवन मुझे पहले कभी नहीं था, यानी इंडिया के जेल में जो मैंने जीवन बिताया वो तो पाकिस्तान में नहीं बिता सका। तो ऐसे क्यों उसको भी छोड़ कर रखा, क्यों, यही कारण। पाकिस्तान के लोग आते हैं हमारे देश में, पाकिस्तान में ट्रेन होकर आते हैं, जिस कैंप से आते हैं वो भी जानते हैं, तब भी हम जाकर के बमबारी नहीं कर सकते उस कैंप की धरते हैं। अमेरिका उसामा बिन लादेन के लिए अंदर घुसा, उसके घर में गया, उसको गोली से मार दिया और उसको दफन करने के बजाय उसकी उसको क्रिमेशन करा करके उसकी सारी जो रिमेन्स थी अंत्येष्टि थी उसको उसने समुद्र में डाल दिया। क्या कर सका पाकिस्तान, हम क्या दाऊद इब्राहिम को ऐसे नहीं पकड़ सकते, नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्या कर देगा हमारा। तो पहला कमजोरी है तुम्हारे नेता सब कमजोर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को ये मत समझे कोई सौदा है, राजनीतिकों को इलेक्शन लड़ना है इसीलिए उसको पैसा देना है, जब पैसा की जरूरत होती है। ये तो मैं कहता हूँ इसी हालत में ये जो गुप्त रूप से पैसा जमा होती है ये बड़ा डेंजरस है।
दूसरा है ये पैसा आज हमारी महंगाई के कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बना दी कि जो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो सकती है, माने उसको आप खरीद सकते हो आज और कल के दाम का आधार पर बेचने के लिए तैयार हो सकते हो, उसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। तो आज क्या होता है कि जिनके पास कैश है वो जाते हैं होलसेल मार्केट में, थोक बाजार में, और किसान को कहते हैं लो पैसा हमें तुम्हारी खरीदी तुम्हारी उत्पादन दे दो, उसको लेकर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, शॉर्टेज हो जाती है। हमारे देश में बढ़ती जा रही है ग्रोथ रेट 8% 9% की हम ऐलान करते हैं, तो फिर ये शॉर्टेज कैसे हो सकती है सब्जी की, तेल की, चीनी की, ये क्योंकि है ये जमा पर लोग उसको पैसे के आधार पर उसको खरीद लेते हैं और उसको रख देते हैं और फिर दाम बढ़ती है, दाम बढ़ने के बाद ऊपर जाकर उसको बेच देते हैं। अब सेप्टेम्बर में बेच दिया थोड़ा दाम कम है, यानी नवंबर में बेच दी तो दाम आज कम है और कल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसे ऊंचाई पर कमा सकते हैं। आज जो महंगाई का सीधा कारण है भ्रष्टाचार है, ये अपना ऊपर असर है। हमारे देश में जो आम जनता की वस्तुएं उसकी उत्पादन कम होते जा रही है और विलासी वस्तुओं के सामान बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि जो जिनके पास काला धन है वो तो फैक्ट्री नहीं बना सकते, इनकम टैक्स वाले पीछे आ जाते हैं, तो वो अपना विलासीय जीवन बिताते हैं, उनमें बड़े बड़े महल बनाते हैं, उसमें एक एक कमरे में एयर कंडीशनर, बाथरूम में भी एयर कंडीशनर, और इन सारी विलासी वस्तुओं की जो इंडस्ट्री है उसकी जो मुनाफा बढ़ते जाती है। आज हमारे देश की इंडस्ट्रीज कहते हैं हम क्यों ये कपड़ा बनाए, ये क्यों आम जनता की उत्पादन करें, हम तो विलासी वस्तु प्रोड्यूस करके BMW करेंगे, मर्सिडीज बेंज करेंगे, एयर कंडीशनर करेंगे, तो हमें 25% रेट ऑफ रिटर्न मिलती है और इसमें सिर्फ 5% मिलती है। तो आज 70% हमारी पूंजी है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जा रही है विलास वस्तुओं के उत्पादन। तो आपकी सारी इकॉनमी उल्टा हो जाए, फिर उसी प्रकार से हमारी जो पैसा है जो विदेश जाती है उसके लिए चिदम्बरम साहब ने एक पार्टिसिपेटरी नोट बनाई है, वो क्या है, कागज है, वो जाके आप विदेश में खरीद सकते हो इंडियन पासपोर्ट दिखा करके, उसको यहाँ वापस ला सकते हो और उसको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे आज क्यों जा रहा है, ये विदेश हमारी पैसा जो वहां से जाकर वापस आती है, और मॉरिशस के रास्ते से आएंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। अभी तक क्या होता था कि पैसा आप स्विट्जरलैंड जमा करोगे तो आपको 2% सर्विस चार्ज देना होता था, ब्याज नहीं मिलता था स्विट्जरलैंड में, सर्विस चार्ज आपको देना होता। अब उनको क्या हो गया कि पैसे को उस रूट से लाओ और अब क्लीन व्हाइट मनी बन जाती है और स्टॉक मार्केट में लगा करके खूब कमाओ और स्टॉक मार्केट को फेड़ा कर दिया, मिडिल क्लास सत्ता का जीवन सत्यानाश हो गया है इस कारण से। तो एक तरफ आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या और ये पार्टिसिपेटरी नोट के अनुसार के कारण आज टेररिस्ट भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, आपके ऊपर बम डालने के लिए, आपके ऊपर हार्डिक्स की उनको उड़ाने के लिए करने के पहले जो खर्चा है वो स्टॉक मार्केट में जाकर कमाते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट ही टेररिस्ट को फाइनेंसिंग कर रही है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो इतनी व्यापक असर है भ्रष्टाचार का कि ये देश डूब जाएगी यदि हम इसको मिटाएंगे, और मिट सकता है ये मत सोचे कि भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता है। इसके दो स्तर पर हमें काम करनी है, पहला स्तर है कि जो यानी भ्रष्टाचार करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे तो असर पड़ेगा और ये शुरुआत हो गई। दूसरा है कि हम ऐसे यंत्र का उपयोग करें जिसमें विवेक अधिकार ऑफिसर का ना हो, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में पहले स्टेशन मास्टर को पूछा मत करो, फिर उसके बाद टिकट कलेक्टर को पूछा मत करो, कभी आपको मेरिट पर वेटिंग पीरियड के अनुसार आपको रिजर्वेशन नहीं होगी, फिर ये कंप्यूटराइजेशन आई, कंप्यूटराइजेशन के कारण आज
भ्रष्टाचार रिस्ट्रिक्शन में न्यूनतम हो गई, यानी है पर बहुत कम हो गई। तो इसी प्रकार से लैंड रिकॉर्ड्स मांगने के लिए आपको ऑफिसर को बख्शीश देना होता था, आज वो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यंत्रों से भी हो सकता है, परंतु लंबे काल के लिए क्या था कि हमारे देश 1600 साल पहले माना जाता था कि 16 साल से 600 साल तक इस 1000 साल की पीढ़ी में जब हमें थोड़ा कुछ दस्तावेज है उसके अनुसार दुनिया के सबसे ईमानदार देश मानी जाती है। चाइना से आए फासियन 480 में हमारे यहाँ संस्कृत के ग्रंथ को इकट्ठा करने के लिए कुतुब बौद्ध धर्म पर, और उन्होंने पुस्तक लिखा कि एक बात है हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ की जनता दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर का ताला नहीं लगाते। हम कोई सामान उनके घर में छोड़ के आ जाए तो फिर हमारे पीछा कर करके वापस करते हैं। यही 700 साल के बाद आए युआन छांग, चाइना से आया ये था। फिर वास्को डी गामा आया, उसने भी यही कहा कि सबसे ईमानदार देश। फिर अमेरिका से मार्क ट्वेन आया, उसने भी यही कहा 400 साल पहले। अब ये इतनी ईमानदार देश इतनी भ्रष्ट कैसे हो गए, ये हमें सोचना है। हम ईमानदार इसीलिए थे क्योंकि हमारी जो सिद्धांत थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसमें पैसे के आधार पर हमने समाज में प्रतिष्ठा मार नहीं सकते थे। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो ज्ञानी हुए थे, और उनका पास कोई शस्त्र नहीं था, उनके पास कोई धन नहीं था, उनके पास कोई जमीन नहीं था। ऋषि त्रिगु ने एक बार कहा था ऋषि भारद्वाज को कि समाज को स्थिर करना है तो विकेंद्रीकरण करना है, चार सत्ता के आयाम है, उस आयाम को बांट देना चाहिए। तो भृगु भारद्वाज ने पूछा कौन से चार है, उन्होंने कहा पहला सत्ता का हिस्सा है ज्ञान, ज्ञान से सत्ता मिलती है, सत्ता की शक्ति मिलती है। दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन, चौथा है जमीन यानी भूमि। ये चार है, इनको ऐसा बांट देना चाहिए किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, उसके पास भूमि नहीं होना चाहिए, उसके पास धन नहीं होना चाहिए। उसी को ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण है जो अनुशासन कर उस अनुशासन के साथ चलता है। ज्ञानी होना चाहिए, उसके पास कुछ शस्त्र नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई धन नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई जमीन नहीं होना चाहिए। वो होता था आज हो गया ब्राह्मण जो ब्राह्मण घर में पैदा होता है, माँ बाप ब्राह्मण है। तो ऐसा होता तो फिर वेद व्यास कैसे मां ऋषि माने जा सकते थे? वेद व्यास का माँ तो मछुआरा थी और उन्होंने महाभारत लिखी। वैसे ही वाल्मीकि को कहते हैं कि उनके माँ बाप दलित थे, वो मां ऋषि बने। रामायण लिखी और कालिदास, ये तो जंगल में घूमते थे, पेड़ को शाखा को काटते थे, और उन्होंने बाद में बने कवि और महर्षि बन गए। इसी प्रकार से विश्वामित्र का ब्राह्मण घर में पैदा हुए, वो तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए, परंतु ऋषियों के ऋषि बने विश्वामित्र। तो हमारे इसमें कभी जन्म से नहीं था, ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में गुण से बनता है बना, और यही सब जगह में कहा जाता है। किसी ग्रंथ में पढ़ लीजिए कभी जन्म से नहीं है, विकृति है लेकिन जन्म से जुड़ गई। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते थे, ये तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थर्ड क्लास में पास हुआ था। पंडित कहना था तो डॉक्टर अम्बेडकर को कह सकते थे, उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी मिली इकोनॉमिक्स में, लंदन से उसको बैरिस्टर की डिग्री मिली। वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने पुस्तक लिखी, वो ज्ञानी थे, उसको ब्राह्मण मान सकते थे। कालिदास यानी वाल्मीकि को मान सकते थे, अम्बेडकर भी मान सकते थे, बट ये सब बन गई है विकृति। ये अब बहुत बढ़ गए हैं। हमारे देश में वैसे जो एकता हमें ढूंढनी चाहिए हमने ढूंढी नहीं, हम सब तो एक हैं, हमारी
और मैंने किया है, कई लोगों ने रिसर्च किया और छापा है उन्होंने कि हिंदुस्तान का कश्मीर से कन्याकुमारी, पश्चिम गुजरात से आसाम जो भी है हिंदुस्तान, ये सब का डीएनए एक ही है। वो भले ब्राह्मण हो या शेड्यूल कास्ट हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबका एक ही सब है। मैंने रिसर्च भी किया, जब ये राज ठाकरे बोलने लगा अरे सब यूपी टैक्सी वाले तुम हमारे नौकरी चीज हुए हो तो चले जाओ, ये मराठी का है, हम मराठी है तुम यूपी वाले तो चले जाओ। तब मैंने एक फ्रेंड को कहा कि ये जो राज ठाकरे है इसका, ये जो तुम्हारा मित्र है इसका एक बाल का सैंपल ला सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, जब अगले बार हेयर कटिंग के लिए जाएगा तब मैं भी चले जाऊंगा और बाल सैंपल ला लाऊ। तो बाल का सैंपल लाया, फिर मैंने एक टैक्सी वालों को, यूपी टैक्सी वालों को 5 रुपया देकर उसका बाल थोड़ा काट लिया। मैंने हैदराबाद में टेस्ट के लिए भेजा तो टेस्ट में निकला कि दोनों का डीएनए एक ही है। तो मैंने बॉम्बे में आकर ऐलान किया कि राज ठाकरे भी यूपी से आया है, उसका डीएनए मिलते जुलता है, और यदि वो चैलेंज करने जाता है तो आप सभा में आए और मंच में वो चढ़ करके मुझे बाल का सैंपल दें, मेरे पास मोबाइल यूनिट है डीएनए का और उसके अनुसार। लोग कहते हैं हमारे लोग में रंग में फर्क है, रंग से कोई रेस नहीं बनता है। रंग को धूप का जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो जो आपका पिगमेंटेशन असर करता है वही है। अमेरिका में एक काला सिंगर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन, उसने प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर कहा मेरा पिगमेंट निकाल दो, उसने निकाल दिया तो सफेद चमड़ा हो गया। तो चमड़ा के रंग से कुछ रेस नहीं बनती, रेस तो रक्त का जो ढांचा है जिसको डीएनए कहते हैं उसी से बनते हैं। तो हम तो एक हैं, सबको एक हो जाना चाहिए इसी आधार पर। मैं तो मुसलमानों को भी कहता हूँ तुम्हारा पूर्वज हिंदू ही होगा क्योंकि तुम्हारा डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है। क्रिश्चियन को भी यही कहता हूँ, अब उससे लोग चिढ़ जाते हैं, मैंने कह दिया कि मुसलमान को मानना चाहिए कि हमारा पूर्वज हिंदू है। अरे तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं है तो क्या है, गोरी और गजनी है क्या, ये मानने लायक है इसको मानने लायक वास्तविकता नहीं। तो मुसलमान हिंदू को एक करने के लिए, एक परिवार करने के लिए यही होगा कि इस देश में हिंदू रहते हैं या जो जिनका पूर्वज हिंदू है, ये हिंदू हम देश का वासी मान सकते हैं। इटली से आएगा तो नहीं मान सकते, ये तो स्पष्ट है। कोई बन जाए नागरिक तो टेक्निकली बन सकता है, पर तो इस देश का जो मूल वासी है जब उसका जो डीएनए हमारे जैसे, और उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ब्राह्मण शेड्यूल का सब एक है। तो ये एक ये जो विभिन्नता आई है उसमें कई भ्रष्टाचार पैदा होते हैं। आज ये पैसे के आधार पर सब समझते हैं कि हम समाज में एकता पैदा कर सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा हमारे संस्कृति में कहीं भी नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा जिनके पास धन नहीं है उनका धन बनाना कोई आपत्ति नहीं, परंतु दान देने से ही समाज में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण का प्रतिष्ठा क्यों थी, क्योंकि वो ज्ञानी। महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा क्यों थी, क्योंकि वो त्याग कर दिया था पूरा। मुझे अमेरिकन स्कूल से पूछा जब मैं पीएचडी करने के लिए गया कि महात्मा गांधी तुम्हारा नेता कैसा बन गया, मैंने कहा क्यों, वो तो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। मैंने कहा तुम्हारे देश में, देखा हमारे देश में तो सूट बूट और चमका हुआ जूता तभी नेता मानेंगे, महात्मा गांधी आएगा तो हम उसको जेल में बंद कर देंगे फॉर इंडिसेंट एक्सपोजर, इस आधार पर बंद कर देंगे। फिर मैंने सोचा हाँ ये बात तो सही है। फिर मैंने कहा आपका धार्मिक गुरु से वो भी देखो को डायमंड नेकलेस रूबी नेकलेस सैफायर नेकलेस सिल्क गाउन बड़ी सच कर आते हैं वो, और हमारा सबसे बड़ा धर्म गुरु एक भगवा कपड़ा पहन करके लूटता है। तो इस देश में वो त्याग जो है उसकी पूजा होती थी, और इसीलिए पैसे के लिए लालच नहीं होती, पैसे कमाने में बुरा नहीं। पर ये जो लालच आ गई है ये ग्लोबलाइजेशन से, इसीलिए आज हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। जितना पैसा बढ़ाओ उतना अच्छा है। हमारे विद्यार्थी भी जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके IIM में, मैंने उनको लेक्चर देते समय बाद में पूछा क्यों आए आप यहाँ इतनी मेहनत करके कॉम्पिटिशन करके, उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें MBA डिग्री मिल जाएगी तो हमें 1 लाख पर महीना की नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा बस इसीलिए, तुम्हें मार्केटिंग थियरी में दिलचस्पी नहीं, फाइनेंस थियरी में दिलचस्पी नहीं है, ये पैसा
ये बात सब सही नहीं है। तमिलनाडु में लोगों ने दिखा दिया, करुणानिधि ने एक एक कोर्ट को 6,000 रुपया दिया था, लेकिन लोगों ने 6,000 रुपया भी लिया और खिलाफ भी वोट दिया। यही आपको आगे करना है, कोई भी पैसा देने तो ले लो, वोट खिलाफ दे, जो ज्यादा खर्च करेगा उसका खिलाफ वोट दे। हमारे देश में वो जो सनातन धर्म की मूल्य है वो दोबारा स्थापित हो जाए कि हमारे देश में पूजा का जो त्याग करते हैं समाज के लिए, जो जितना सरल रहते किसी का यह हो जाएगा तो दीर्घकालीन के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार मिट सकती है। जैसे पहले थे हम दुनिया के सबसे ईमानदार देश, ऐसे ही होंगे। आज मैं कह रहा हूं कि यही हम देख रहा हूं कि अमेरिका में भी लोग ये सोचने लगे हैं कि हिंदुस्तान यही सिखाता है कि समन्वय होना चाहिए भौतिकवाद और आध्यात्मिक आध्यात्मिकता, तभी सुखी होंगे। एक उनका बहुत मशहूर एक्ट्रेस, उसका नाम इंडिया आई शूटिंग के लिए और कहा मुझे एक आश्रम ले जाओ, तो ले गए वहां। स्वामी जी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपका, कहा कि मैंने तो करोड़ों रुपए कमाया, ऑस्कर्स पाए और जो मेरे दिल में शांति नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसको 10 दिन रहने बोला, उसको प्राणायाम सिखाया, उसको योगा सिखाया, फिर भगवद गीता की शिक्षा दी और उनको सारी हमारी धर्म की बातें बताई। वो इतनी प्रभावित हुई और कही कि मैं इतनी सुखी हुई कि वापिस अमेरिका गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने और उसने पति को भी खड़ा किया, बच्चों को भी खड़ा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि आज से मैं, मेरे पति और बच्चे सब हिंदू बन गए, यही एक रास्ता है। और हो सकता है दूसरे धर्म से भी होगा, परंतु हमारा एक धर्म में बड़ा स्पष्ट है कि त्याग की पूजा किसी धर्म में उपलब्धि होती है, यानी जो अपने की त्याग करते हैं, यानी अपने दूसरी के नुकसान करने के लिए त्याग नहीं परंतु अपने के लिए धारण प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं की पूजा होने वाली धर्म है। इसीलिए सब जगह में देख रहे हैं श्री श्री रविशंकर के आश्रम में बड़े बड़े विदेशी, जब साईं बाबा थे तो खूब बड़े बड़े थे, मनस में शांति ढूंढने के लिए आते। आज सारे साधु सन्यासियों के इसमें स्वामियों का जो आश्रम है उसमें विदेशी बड़े पड़े, विदेशों में भी आज अमेरिका में बड़े बड़े आश्रम खुल गए हमारे लोग। लोग तो इतने पागल हो गए कि उनको पता नहीं है कौन असली है कौन नकली है। मेरा नाम लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी होगा साधु। अब मुझे टेलीफोन आती है कि आप मुझे गीता प्रश्न, हम 25 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम सब आपको 5,000 रुपये $5,000 देंगे, आप आखिर हमें बताइए भगवद गीता का संदेश क्या। तो वहां चल रही है तो धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत असर, क्योंकि वहां लोग दुखी है। मैं भी कहता हूँ कि भौतिकवाद, सिर्फ भौतिकवाद पर हम चलेंगे, जितना पैसा कमाएंगे उतना हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, जितना खर्च करके दुनिया को नीचा दिखा सकते हैं उतना अपनी गर्व है। ये जो सारी संस्कृति है ये भ्रष्टाचार को आगे ले जाएगी, इसको मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आज से हम लोगों को जरूर पैसा कमाना चाहिए, जरूर अपने जीवन का थोड़ा सुख के लिए देखना चाहिए, परंतु उसी समय ध्यान में रखना चाहिए कि लालच ना हो जाए और अपने जो देश के जो मूल सिद्धांत है और जो मूल मूल्य है उसके लिए हम करेंगे। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार को दीर्घकालीन जा सकते हैं। जहाँ तक आज प्रक्रिया शुरू हो गई इसमें हम कोई रोक नहीं सकता और मैं भी चुप नहीं होने वाला हूँ, मैं तो सोने वाला नहीं हूँ जब तक ये सारे टूटी वाले अंदर चले जाएंगे। और इसके बाद एयर इंडिया का भी घोटाला बाकी है, सी डब्ल्यू जी का भी बाकी है और लोग कहते हैं मुझे इसके बाद ही इसके बाद जनवरी के बाद कौन आएगा, मैंने कहा कि थोड़ा टारगेट प्रैक्टिस चाहिए तो मैं भटरा को लाऊंगा, नहीं तो सीधा खत्म कर रहे हैं तो सीधा सोनिया के पास पहुंचूंगा। तो ये वड्रा का बेहोश हो गया, पता नहीं उसके बाद समाचार आ गई तो मैं उसके पीछे पड़ा हूँ पता नहीं। लेकिन ये सारे लोग ज्यादा नहीं है और एक बार इन सबको सजा जाएगी तो आगे किसी को हिम्मत नहीं होगी करने के लिए। हमें इस देश को, इस इकोनॉमी को मुक्त कराने के लिए, हमारे चरित्र को शक्तिशाली बनाने के लिए और अपनी स्वाभिमान, देश की स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार मिटाना एकमात्र हमारी लक्ष्य होनी चाहिए। और ये कभी निराश मत होइए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस देश में कोई मंत्री नहीं पकड़ा जा सकता, ये सब मुझे लोग पहले दिन
Thank you so much, Dr. Swami. Now we have open session. We are seeking one or two questions. Is a testimony to doctor's popularity that he being a Janata Party president, and now we have a business people, intellectuals, doctors, academicians, and people from other political parties like BJP. We have Sula Joshi and Shalarvi and Janata Dal. Mr. Horetti is there. So this is a conglomeration of like-minded people, I can say. Now we would like to have one or two questions only. If anybody interested, kindly. Hello. Mike. मुझे मुझे डायवर्ट हो जाऊंगा, ये सारे इसको जेल में आते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली चली जाएगी, बड़े चीज को करो ये सब छोटी चीजें होती जाएंगी, ये तो एक कलम की बात है। सरकार बदल दो, सरकार बदल दे, इसके लिए कोर्ट में जाए लड़े, और उसके लिए लोग कहेंगे कि अब स्वामी बड़े बड़े चीज को छोड़ के छोटी चीज पे आ गया है। तो बुरी बात तो है, मानता हूँ, और वो भी क्या कोई किस तरीके के चरित्र है उसका सब जानते हैं, और हो सकता है कि उसका डिवोर्स तो लगभग तय हो गया है, छोटी बातों में लड़ाई हो रही है हिस्सा बांटने में, तो उसके बाद हो सकता है सोनिया गांधी खुद कहेगी इसका खत्म कर दो। मैं तो समझता हूँ कि ये विषय जो इसके लिए मेरा समय का सीमा होने के कारण मैं नहीं ले सकता, भाई कोई रेट कर सकते हैं, परंतु इसके लिए बड़ी होशियारी से करनी चाहिए, नहीं तो पहले तो आपको RTI एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि किस आधार पर दिया, कुछ आधार तो पता लगे सरकार, फिर उसको कैसे चैलेंज करें ऐसा देखना चाहिए। सभी भारतवासियों की तरफ से एक ही निवेदन है कि किसी को मत छोड़िए सर, सबको ध्यान में डालिए सर। तो आप, मैंने कहा ना, आप मुझे CBI के डायरेक्टर बना दीजिए, मैं कर दूंगा एक रात। गुड इवनिंग सर, कुडनकुलम कुडनकुलम कैपेसिटी का 2 रिएक्टर बनने का फैसला हुआ था, उसका रिएक्टर्स रशिया से आया और उसका लगभग सारे काम पूरा होने के बाद नवंबर 19 को पहला बिजली की उत्पादन शुरू होने वाली थी, जिससे कम से कम पहला रिएक्टर से सारा तमिलनाडु का जो पावर कट है वो समाप्त हो सकती थी और किसान की पूरी आवश्यकता हो सकती। इस बीच में बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया गया और कहा कि ये विस्फोट हो सकती है, जैसे जापान में हुआ, जैसे रशिया में चेर्नोबिल हुआ, ऐसे ही इसका भी विस्फोट हो सकता है। अब इसका कोई आधार ही नहीं था। जीवन में हम तो बहुत जोखिम लेते हैं, सड़क पार करते समय हम जोखिम नहीं लेते, कभी भी कोई ट्रैफिक कारण से आपका प्लान नहीं करना कर सकता है, कई छोटे छोटे जोखिम हम जीवन में लेते हैं, क्या इसका जो भी जोखिम उससे बड़ा है, हमारे हमने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार नहीं था। तो फिर ये लोग आने वाले लोग थे, मैंने देखा वहां का दृश्य कि लगभग 200 नंस और पादरेस वहाँ उपस्थित थे, वो खाना बांट रहे थे, वो रिफ्रेशमेंट्स बांट रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये
क्रिश्चियन फादरेज और नंस क्यों आ गए, और कई जर्मन और फ्रेंच सारे लोग वहां बैठे हैं, तो इनका क्या दिलचस्पी? तो देखा कि इसमें कई ऐसे एनजीओ हैं जिनको पैसा विदेश से मिलती है। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि रशिया का जो रिएक्टर वो सबसे सस्ता है और सबसे आधुनिक है और कूलन कूलन में चल जाएगा, तो फिर देश भर में एक प्रेशर होगी कि रशिया के और रिएक्टर्स लगाएं, क्योंकि फ्रांस का बहुत महंगा है, अमेरिका का भी बहुत महंगा है। तो ये कहीं ना कहीं विदेशी इंटरेस्ट है कि हमारे देश में हम बड़े आसानी से रिएक्टर्स ना रखें, और जो कंडीशंस रशिया लगा रही है वो बहुत न्यूनतम है, कंडीशन जो अमेरिका और फ्रांस लगा रही है वो ज़्यादा है। तो हमारे लिए जो सबसे अच्छा है, तो इसलिए इनको ना आने दें, इसके लिए कुछ करें। इंडिया में कोई न्यूक्लियर डेवलपमेंट ना हो वो भी ठीक है, परंतु रशिया की टेक्नोलॉजी होगी तो हम सब किसी को यूरोप में और अमेरिका में अंदर आने के लिए मुश्किल होगा। इसके पीछे विदेश के पैसे से प्रेरित ये सारी आंदोलन चली। मैं सितंबर मास में ही मैंने ये कह दिया था, लोगों ने बड़ा कई लोग मेरे ऊपर नाराज हुए कि अनाप शनाप आरोप लगा दें, परंतु अभी प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, अभी सीबीआई ने केसेस रजिस्टर किए हैं और कोर्ट में ये बात सिद्ध होगी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो जो आरटीआई है उनके मर्डर्स हो रहे हैं, लाइक दे फील लाइक दे आर नॉट सिक्योर, द सेम इज द वे यू आर डूइंग द थिंग्स, यू आर थैंक यू जिंदा हो ये कुछ नहीं, आप नहीं, आपके लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो लाइक इवन आई वांट टू रेज मेनी क्वेश्चंस बट आई फील फियर्ड के यू नो कल मेरे साथ कुछ हो जाए, तो हाउ टू बी सिक्योर एंड आप अपना ये जो आंदोलन भी चला सकते हैं एंड यू फील यू शुड फील यू आर सिक्योर। देखो कब मरेगा कब मरेगा ये तो पहले से तय है, कोई और आपको हथियार बन सकता है यमराज का, परंतु वो कर नहीं सकता। कभी कभी ये होता है प्लेन क्रैश हो जाती है तो दो तीन पैसेंजर बच जाते हैं, ये कैसा होगा? तो मैं तो कहता हूँ कि ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगी तो कोई संघर्ष नहीं कर सकता, यही निराश कर सकता। तो इसलिए निराश करने की कोई भी बात हो उसको कहना नहीं चाहिए, आप इस बात का चिंता मत करिए, मैं भी कोई कम नहीं हूँ इनसे, मेरी कोई मेरे ऊपर कुछ प्रहार करेंगे तो मैं जानता हूँ इसका प्रतिरक्षा मुझे क्या करना है और जवाब कैसा देना है। मेरे भी दोस्त हैं, दोस्तों दुनिया भर में बसे हैं, तो इसीलिए मैं तो इसमें चिंता नहीं करता हूँ। राष्ट्र की सेवा में कई लोग अपना जान देने की तैयार होते हैं, जो सेना में हैं आज उनसे यह सवाल पूछोगे कि मैदान में जाओगे गोली लग जाएगी तो क्या होगा, अब वो तो चांस तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उत्साह के साथ रहो, भगवान पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। हेलो इंडिपेंडेंस देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ स्कैम्स राइट सर फोटोग्राफर यस My question here is, whatever the scam is there, the way the voice is raised, after the scam is there, the minister resigns. That is the end of it. No. Not in this one. Yeah, what I mean to say is, why can't there be a provision that entire assets, entire bank accounts be frozen of that whoever is the minister or any until his case is over, so that Well, first of all, but once the charges have been framed and it is established that the assets, what they are and where they are, they can be under the Money Laundering Act, and that process is on UG. I'm sure that Raja's assets will be frozen very soon, so will the assets of Maran and then ultimately Chidambaram and so on. So you can be assured that this question is of a seized out of our mind and we will certainly work on it.